उल्लासनगर दर्पण न्यूज। आज उल्लासनगर दर्पण न्यूज लाखों लोगों तक पहुंच रहा है आपके ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप द्वारा। हमारा प्रण है उल्लासनगर को अपराध मुक्त बनाना। नंढो सो कार्यक्रम असा रखो है तो हिंदू भाई साहब सर हमारी जो अखंड भारत से जो लोग थी जो अभी पाकिस्तान में वहां से मानव प्रजन छोड़ जो तभी से लेकर अब तक चलते आ रही है और हमारा समुदाय असो सिंधु समुदाय जै जो की पूजा में जो अखंड करे वही उसका करस्पॉन्डेंस उसकी जो लिखा पढ़ी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा पढ़ी कई असाजे गर्व की गाल है तो वो असाजे सिंधियों की शान है असाजे सिंधियों की धरोहर है जो उन जोत की मान्यता उन बुक्स की मिली हुई हाने का वो रिकॉर्ड असाजे बुक्स में दर्ज कियो या ॾिसो इहा महिनत हे जेके संत बि आहिनि हिननि सभिनी जी आसीस आहे जो असांखे हिन कार्य में सक्सेस मिली आहे सब का वही गाल शांति मना माता बुझाई अभी जो जो चमत्कार है जैसे नगर सेवक एक मनोज चांदवाणी अजीत सिंह जी प्लीज मजबूत मां बही मिनट के अंदर से अभी की गाल चाहूँ सुबह जो मुझे मन में वेदे वेदे ख्याल आयो तो हि जो भी बुक्स का विकास में दर्ज किया है जो भी असा अवार्ड मिलो है सर्टिफिकेट मिलो है वो रिंकू भाई साहब के हथा भाव लीलाराम जी के दरबार का जो ट्रस्टी है शंकर भाई है सभी के जा रहे हैं पर मां सोचो रिंकू भाई साहब भी काफी दुखी कर रहे हैं ये वासी सुन तो ये सोचे कर रहे हैं साढ़े अठे बजे से आपका साहब भूख रहा हो राजू भाई रिंकू भाई साहब मन में खुशी थी गई पर वही सोचो साढ़े अठे किए रिंकू भाई साहब साढ़े नवे ताई किए वेंदा तो ठीक है एडो टाइम गारंटी ठीक ना संतान के पर साईं जी कृपा ॾिसो गुरु नानक देव जी आशीष ॾिसो मां हितां रस्ते ते अचां थो रिंकू भाई साहब खां मथो थो टेकियां ऐं सिर्फ़ु रिंकू भाई साहब खां वेनती कई की भाई साहब मुंहिंजे दिलि जी तमन्ना हुई की तव्हां अची करे इहो भाउ लीलाराम जी खे इहो जेको आवाज़ पंहिंजे हथ सां ॾियो हिकु सेकंड न लॻा रिंकू भाई साहब हिकु सेकंड में हाज़िर ऐं मुड़ी करे भाई साहब ये बोलते संकल्प सृष्टि जो संकल्प हुआ वो संकल्प से बात हो गई तो मैं अभी चाहूंगा कि दो शब्द आप बोले फिर आगा साहब आपके आगे दो शब्द आप बोले देखो भाई दो आ जाए तो मुझे एक बात बताएंगे प्रश्न के उस जोर के जो 75 सालों के अठानी जोर जोर हुए तो मैंने यही कहा भविष्य मेरा जिसे मेरी सरकार जो है मेरे बड़े हैं कि जहाँ पर ऐसे जोर देते हैं 75 साल का अठानी जोर है उसमें अतिथि शक्ति आ जाती है ऐसे जोर में इसको मामूली बात नहीं समझिएगा मैं कैसे आपका एक्सप्लेन करूँ इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए पर शॉर्ट में अगर आप बताएं तो अगर कोई बीमार हो कुछ हो तकलीफ हो कोई जोर का नहीं लगाए तो उसको तबीयत ठीक हो जाती है इतनी ताकत आ जाती है तो इससे छोटा हाथ छुट्टी बहुत बड़ा अवार्ड हो गया आपकी यहाँ पर और बहुत खुशी की बात है कि मैं इस वक्त यहाँ पर शामिल हूँ जब इतना बड़ा अवार्ड होगा भाई साहब मैं चाहूँगा एक बार लाल सैनिक धुनी जोरदार तरीके से आई हो लाल झूले लाल हो आई हो लाल झूले लाल हो आई हो लाल झूले लाल हो आई हो लाल झूले लाल धने गुरु नानक भारत कार्या हो धने गुरु नानक भारत कार्या हो दीना बंधु दीनाना हो दीना बंधु दीनाना आयो लाल सभी को झूले लाल अभी मैं विनती करूँगा और समय जो सहकारी में रहेगा
आज हमें राजू जग्यासी ग्रुप के साथ राजू जग्यासी के साथ हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इनके मन में क्या है आज जो लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने नाम दर्ज किया है और ये जो अखिल पाठ साहब की जोत चल रही है इनके बारे में दो शब्द हम लोग जानना चाहेंगे राजू जग्यासी से। देखिए बहुत सारी ऐसी बातें थी जो रिकॉर्ड बुक्स होते थे जिनमें रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है उनमें दर्ज होती थी, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि अखंड भारत के समय से जो हमारे लाल साईं की मानव प्रज्वलित ज्योत थी आज 75 साल से वह ज्योत यहाँ पे जल रही है और निर्विघ्न जल रही है। चालिया साहब का मंदिर हो या बाबू परशुराम जी का मंदिर हो, तो इसका करस्पॉन्डेंट हमने वहाँ पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड से हमने करस्पॉन्डेंट किया। वहाँ के जजेस यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ के फोटोज लिए, मूवीज ली और उस समय के जो बड़े बुजुर्ग थे उनका इंटरव्यू लिया और बड़े खुशी के साथ कहना पड़ता है कि आज का ऐतिहासिक दिन है कि वो रिकॉर्ड उन बुक्स में दर्ज हो गया और हमें उस चीज़ की कामयाबी मिली। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये हमारे सिंधी समाज की एक धरोहर है, हम रहें या न रहें लेकिन ये रिकॉर्ड हमेशा उन बुक्स में रहेगा। आने वाली पीढ़ी जब भी वो रिकॉर्ड्स पढ़ेगी तभी उनको ये पता चलेगा कि अखंड भारत से सिंधी समाज एक ज्योत लेके आए थे जिसकी पूजा आज भी हम करते हैं और उसकी पूजा से सिंधी समाज आगे बढ़ा है और भी आगे बढ़ेगा। लाल साईं की कृपा हमेशा सब पे बनी रहे। धन्यवाद राजू भाई। आज हम लोग ने देखा कि एक ही फ्रेम में
रिंकू भाई साहब भी थे, साईं जी भी हमारे झूलेलाल जी के हेड से, तो वो समा कैसा था, दो शब्द बोलेंगे सर। जी देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि सभी लोगों में एक आत्मा बसती है, और आत्मा तो परमात्मा का अंग है, तो रिंकू भाई साहब हो, बाहू लीलाराम भी हो, उनमें भी भगवान बसता है। और मेरे तो ये मन की इच्छा थी, मैंने ये स्टेज पे भी बोला कि सवेरे से मेरे मन में ख्याल था कि यह जो अवार्ड दर्ज किया गया है, रिंकू भाई साहब के हाथों में बाहू लीलाराम को दिलाऊं। लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं अभी वो संभव होगा कि नहीं होगा, लेकिन लाल साईं की यह कृपा है या गुरु नानक देव जी की यह कृपा है, मैं यहाँ पे आया, रिंकू भाई साहब मुझे यहाँ मिले, और सिर्फ मुझे उनने बोलने की देरी थी, मैंने बोला, उन्होंने भी स्वीकार किया, और रिंकू भाई साहब ने खुद लाल साईं की धुनी लगाते हुए बाहू लीलाराम जी का स्वागत और सत्कार किया, और हम सब ने इन दोनों महान शख्सियत, दोनों संतों से आशीर्वाद लिया, उन दोनों को बहुत बहुत नमन। राजू भाई, एक तो आपने अपने पूरे उल्लासनगर में अपने वार्ड में बहुत खूबसूरत लाइटिंग डेकोरेशन, जैसे रोज दिवाली होती है, दूसरा ये अवार्ड देकर, अब आगे और क्या आपकी प्लानिंग है सर? जी देखिए, हमको जो भी पद मिलता है वो काम करने के लिए पद मिलता है, जैसे जैसे हमें समझ आती है, जो जो भगवान हमसे काम कराते हैं हम करते जाते हैं, इसी प्रकार से हमारे शहर के लिए, हमारे समाज के लिए जो भी कार्य मेरे समक्ष आएंगे मैं प्रयास करूंगा, और इसी प्रकार से आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा, और हम हर कार्य में सफल होते जाएंगे। धन्यवाद। राजू जी, जैसे आपने अपने रोड को सुंदरीकरण किया है, वैसे अगर पूरे रोड उल्लासनगर के और आपको डेकोरेशन करने के लिए पूरे उल्लासनगर मिले तो क्या आप करेंगे और कैसे? जी बिल्कुल, मैं तो ये चाहूँगा कि हमारा पूरा शहर सुंदरीकरण होना चाहिए, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ, हमारे आमदार साहब कुमार आलानी साहब ने भी ये बात कही है कि वो भी अपनी एरिया में सभी ऐसी प्रकार से लाइटिंग करेंगे, और जब भी हमें सेवा का मौका मिला हम आगे आएंगे, और पूरे शहर को जितना हो सका, काम करना बहुत अभी बाकी है, जितना हो सका धीरे धीरे कार्य करते आएंगे। तो ये थे राजू जग्यासी और उनकी ग्रुप, इन्होंने आज बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। आज हमारे साथ है महेश जी, आज एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है उल्लासनगर के लिए, आज हमारा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हुआ है, आइए जानते हैं कि महेश भाई को कितनी खुशियाँ हैं आज। जय झूलेलाल, आज उल्लासनगर तो भाऊ परशुराम झूलेलाल मंदिर में बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी जो अखंड भारत में ज्योत, जो अखंड भारत से पाकिस्तान में आई है, 75 साल से ये ज्योत अनवरत चल रही है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब भी वर्ल्ड बुक में जो भी ये आया है, तो उन्होंने जो देखा, जो पृथ्वी के चार तत्व जिससे हमारी दुनिया चलती है, हमारा जो पूरा प्रकृति का नियम चलता है, उसमें हमने जो अग्नि की पूजा की है, वो प्रकृति की पूजा द्वारा जो की है उसको उन्होंने संज्ञान लिया है, अग्नि की पूजा जो हम लोग 75 साल से कर रहे हैं उन्होंने उनको संज्ञान लिया है, और आज ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, और राजू जग्यासी ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी सभी पूरी टीम की ओर से यहाँ पर हमने यहाँ के ट्रस्टी सर्वे सर्वा बाऊ लीलाराम महेंद्र मूलचंदानी जी और पूरे उनके टीम को हम लोगों ने उनको सुपुर्द किया, रिंकू भाई साहब के हाथों द्वारा, उनके करकमलों द्वारा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार चालिए के इस पर्व में कितना खुशी का माहौल है, तो मैं समझता हूँ ये हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, और आज ये पूरे, मैं वर्ल्ड को संदेश देना चाहूँगा, पूरे देश को नहीं पूरे दुनिया को संदेश देना चाहूँगा कि सिंधी हमेशा सनातन धर्म में और अपने संस्कृति भाषा के लिए प्रयास रहते हैं और हमेशा उस पर अडिग रहते हैं, उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा उन्होंने कार्य किया है, और यही कार्य पूरे देश में जहाँ भी हमारी धरोहर है हम उनको आगे लाने का कार्य करेंगे। जय झूलेलाल। महेश भाई, जो पूरे वर्ल्ड में आपको लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, घर बैठ के वो लोग क्या मतलब झूलेलाल की उपासना आस्था करें, दो शब्द उनके लिए भी बोलिए जो घर बैठे देख रहे हैं आपको। पूरे देश और विदेश के वर्ल्ड के सभी जो लोग हैं जिन्होंने ये लाइव देख रहे हैं झूलेलाल का मेला, 5 नंबर का मेला हो या 2 नंबर का बाहू परशुराम का या 5 नंबर चालीए का मेला हो, जो देख रहे हैं वो अपने अपने घरों में भी इन दिनों पे समाप्ति के पर्व पर बैरणी का आयोजन करें, और वहाँ पर
किस प्रकार झूलेलाल को मनाने के जो हमारा प्रथा है उस प्रथा द्वारा वो उनको मनाए और अपनी भावनाओं और जो उनकी इच्छा शक्ति है, जो उन्होंने मन में जो संकल्प लिया है वो जरूर उनका पूरा होगा, ये मैं भगवान दर प्रार्थना करता हूँ, जरूर पूरा होगा। तो ये थे महेश सुक्रामानी जी, आज आके यहाँ पर हम लोग को बहुत अच्छा लगा, आज हम लोग का वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। धन्यवाद उल्लासनगर दर्पण न्यूज से कैलाश पटक। झूलेलाल जय झूलेलाल। अज ढी खुशी की गाल असो जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो झूलेलाल की जोत जो सुनो प्रोग्राम रखो वो हो जाम अज इत झूलेलाल मंदिर में मेले वगुर लगो पो आंदर 24 तारीख से मटकू भी पूरी मटकी का मेलो भी आभिनी के चवंदम अचो, बाकी एक बी मौज लगी पी है जाम सुी पारन के वी चो तो अची कर सब मौज मस्ती कन इतने जाम सुठे नमूने प्रसाद है सभी जो बंदोबस्त कल है। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। मुख्य यह खबर है राजू जगियासी मत संतान की आशीर्वाद एतरी है जै कम में भी इन गदू खो पूरा है अज जो जो इंडिया वर्ल्ड बुक जो रिकॉर्ड जो इन प्रयास किया वो सफल हो परसुराम झूलेलाल मंदिर के रिकॉर्ड बुक में आंदो ये लाल साईं मत मेहर तो ये जो कार्ज खड़ा वो पूरा कर दिखारी। जय झूलेलाल। संघर्ष सेवा समिति सदाई हमेशा गड होंगी उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ असा तो भी सौ शुक्रगुजार आई खुशी के मौके से तबने गड आओ वी टी वी वा तारजन जामनानी पीसीआर न्यूज़ और बाकी जो भी न्यूज़ वा वो गडन सभी शुक्रगुजार आयो। अज असाजी झूलेलाल भाऊ परसुराम झूलेलाल मंदिर की जोत अखण जोत जो 75 साल का प्रज्वलित है उनके इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया दर्ज किया जै लाइ अस राजू जगियासी ग्रुप जाम सुठी मेहनत कई असे दिल से एकदम माना राजू जगियासी वाधाई था दूँ अड़े नमूने सिंधी समाज का कम कह रहे जैसे हमेशा चालू ही हूँ। जय झूलेलाल। राजू जगियासी तरफा आई आया झूलेलाल लाल कयो झूलेलाल दिला मुखे का भी जाना गाने ताका शाह घुरा कृपा करे मुखे उही दियो जेकी ता वाजू समझो जीए रखो जिते रखो मां राजी रहा और शुक्र कंदी रहा झूलेलाल साई मेहर कर बाज कर। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। हे जे उल्लास संग में नी ईंदा रन सदाई सदाई सदे खेलेला रने हमेशा सिंधी खुश रहने आबाद रहने यह गुरु आशीष दुआ करूँ ता सभी सब खुश रहन ता भी। जय झूलेलाल। सभी के झूलेलाल जो वादायूं वादायूं वादायूं। हे आयो लाल कयो झूलेलाल अज ढी खुशी की गाल अस भाऊ परसुराम झूलेलाल मंदिर में वर्ल्ड बुक में नालो अची रो है अस 40 साहब में असो गर्व तो फील थे सभी शहरवासियों के एक विनती तो क्या 24 तारीख मटकिन में हिस्सो वो जुलूस से अचो 25 तारीख लेडीज मटकी पलो ही पो जीवन सफलो बना। हे आयो लाल कयो झूलेलाल। इतने 40 साहब जो पलो है 25 तारीख भाउजन भी असा बिल्कुल आन पलो है उन दी ही अस फिल्म की रिलीज है भाउजन का आशीर्वाद मैं वठण आयो आया उन भाउजन बिजी हूँ पर इंदर डीह में भाउजन पा मंदिर के पारा सभी के फिल्म दिखारी तो अज पारा 25 तारीख जो प्रीमियर शो आयोजित किया वो है ढी खुशी की गाल दीपक मोटाणी दादा महेश सुब्रमणी ग्रुप सजो दीपक मोटाणी जगत कलाकार हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमेशा सिद्धत के बुधाने के लिए अस दीपक मोटाणी सुठी फिल्म ठाई वो है एक फिल्म पूरी थी बी फिल्म चालू कर लाल साईं से प्रार्थना कद हमेशा ये कार्य कहते सिंधी की जोत जलाई सनातन धर्म में हिंदू धर्म में झूलेलाल दर से असाया हमेशा अस
असि काई भी तकलीफ होती है असि दर के साथ प्रार्थना क्या पटवण की बुराई चवणी है भव की भी चवणी है मथे वाले जैसे असें मतलब कृपा न होंगी पत्तो भी न मिलन है मथे वाले के चवण से असो ये कम थे तो अस इन जग में पटपुटी व्यूं अस एक निमित मात्र आए कोई चवन ना हेटा वो मूँ आया जो भी कुछ भी कोने साई की मर्जी से कुछ कोई दीपक जी के ये चवंदम तो नहीं डे पिक्चर ला उनके लख लख करोड़ करोड़ बाधाई 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 महेश सुब्रमणी तो नो सुंदर कार्यकर्ता है पाँच सेवक है एक असाई सोच होंगी सालन कर नियम भी है असनी के निवेदन भी कर पहली पिक्चर असो सभी तभी प्रमोट कर भावना वही हूँ सिद्ध तीन सभी तीन वह वार्ता भी पहुंचे उन्होंने मानू तीन पहुंचे सिंधन तीन पहुंचे अगर मुझे विनती है सब अचो ये पिक्चर थिएटर में ऐसो पैसों का ऐसो टिकट वी करो तीन शेवा है तेजे कलाकार सिद्धत लाइ जरूर कम तो ये मुझे विनती है जय झूल दर्पण न्यूज आज उल्लासनगर दर्पण न्यूज लाखों लोगों तक पहुंच रहा है आपके ईमेल एसएमएस और व्हाट्सएप द्वारा। हमारा प्रण है उल्लासनगर को अपराध मुक्त बनाना।